हाय गाइस, तो आज की वीडियो में एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे जितने लोग विंडोज 11 को इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हैं और जिनका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम रह रहा है, मतलब कि 4 GB रैम रह रहा है और थोड़ा पुराना सिस्टम रह रहा है, तो उनके सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वहाँ पे लिखा आ रहा है कि दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, वो भी पूरे प्रैक्टिकल के साथ, फुल स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से मैं इस वीडियो में बताया हूँ, उस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे कंप्यूटर के डिस्प्ले पे आ गया है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है जब बूट करते हैं उस टाइम, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। और यहाँ पे सिंपली इसको हम रिस्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर लगा लिया है, जो भी पेन ड्राइव विंडोज 11 का बूटेबल है उसको लगा लिया अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ पे रिस्टार्ट हम करते हैं, जैसे रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे सिस्टम बूट होना स्टार्ट होगा, वहाँ पे हम F12 बटन प्रेस करते रहेंगे, जो कि बूट की होता है। हर एक लैपटॉप के लिए अलग अलग आता है, आप नेट सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि आपके जो भी लैपटॉप है, एसुस, एचपी, डेल, जो भी लैपटॉप है उसका नाम डाल के बूट की सर्च कर सकते हैं। हमारा देखिए बूट होना स्टार्ट जैसे हुआ, हम F12 की यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जैसे सिस्टम बूट होगा और यहाँ पे हमने बूट की पासवर्ड लगा रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, जो कि बूट पासवर्ड होता है वो हमने लगा रखा है। तो बूट पासवर्ड जैसे डाला और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिल गया है, जो कि यहाँ से हम बूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जो ये सिलेक्टेड दिखा रहा है HP 705W ए वाला पेन ड्राइव मेरा है, इसको जैसे हम सिलेक्ट करके अप एंड डाउन जो एरो की होता है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे माउस वर्क नहीं करता है। और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे उसके बाद बूट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद जो डिस्प्ले आएगा विंडोज 11 का, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे एरर शो होगा। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, यहाँ पे माउस वर्क करता है बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे में नहीं वर्क करता है। अगर आप में वर्क करता है तो ठीक है, अदरवाइज टैब की मदद से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किए थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन आएगा, आगे हम बताते हैं क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, यहाँ पे की मांग रहा है विंडोज का की, तो यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, इस पर जैसे प्रेस किए तो उसके बाद देखिएगा हमारे सिस्टम में कैसे एरर आएगा। देखिए यहाँ पे बोल दिया दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। यही प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बताए हैं, बूट मेनू में जाओ, ये करो वो करो, लेकिन इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ 110% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे अभी तक कोई नहीं बताया है हिंदी लैंग्वेज में, और ये 100% वर्केबल है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, आपके भी सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और हाँ, अगर विंडोज 11 के ISO को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि विंडोज 11 का ISO कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनसाइडर प्रोग्राम वाला ऑफिशियल वर्जन विंडोज 11 का ISO डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, जैसे क्लोज करके यस करेंगे, फिर यहाँ से भी क्लोज कर देना, फिर से दोबारा सिस्टम को ऑन कर लेना है। फाइनली मेरा सिस्टम दोबारा ऑन हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा सिस्टम ऑन हो गया है। यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली दिख पाए। तो फाइनली गाइस हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बूटेबल पेन ड्राइव, जो कि यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव मेरा शो कर रहा है, यही मेरा बूटेबल पेन ड्राइव है। इसी पेन ड्राइव को ला के मैंने सारे प्रोसेस को किया था, तो वहाँ पे एरर शो हुआ था। इसी पेन ड्राइव के अंदर हम कुछ डालने वाले हैं, जो कि चीज़ आपको भी बताएंगे कैसे उसको डालना है। उसके लिए आपको पास विंडोज 10 का पुराना विंडोज 10 है, नया विंडोज 10 अगर आपके पास नहीं है विंडोज 10, तो विंडोज 10 का ISO को डाउनलोड कर लें, और विंडोज 10 का ISO को डाउनलोड करने के बाद उसमें से हम कुछ कॉपी करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि विंडोज 10 का ISO को कैसे डाउनलोड करें, तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से विंडोज 10 का ISO को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पहले से अगर विंडोज 10 का ISO पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके लिए सिंपली मैंने विंडोज 10 का ISO को पहले से डाउनलोड कर रखा है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा विंडोज 10 का मेरा ISO, इसको आपको राइट क्लिक करना है ISO को, और यहाँ पे माउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे माउंट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जो सोर्स फाइल आपको दिखाई देगा, सोर्स फाइल में चले जाना है, और यहाँ पे Ctrl+A बटन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेना है। और उसके बाद आपको इसमें से जितने भी सिलेक्ट ऑल किया है, इसमें से मात्र एक फाइल को अनसेलेक्ट करना है। किसी किसी में उस फाइल का नाम है install.wim, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, और किसी किसी में इसका नाम है install.esd, जो कि डिस्प्ले पे आप लोग को दिखा हुआ मिल रहा है। तो दोनों में से किसी एक यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी आपके पास दिखाई दे रहा है उसको अनसेलेक्ट कर लेना है। अनसेलेक्ट करने के लिए सिंपली कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे माउस से क्लिक कर देंगे। देखिए अनसेलेक्ट हो गया। अब इसको सिंपली जैसे अनसेलेक्ट करने के बाद इसको टोटल को जो जितने सिलेक्टेड है कंट्रोल C प्रेस करके
कॉपी कर लेना है। जैसे कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी किए, अब इसको लेके चले जाना है कहाँ पे, जो पेन ड्राइव है वहाँ पे। जैसे हम दिस पीसी में जाते हैं, ये मेरा पेन ड्राइव है, वहाँ पे किस फाइल में गए थे, सोर्स में। सोर्स यहाँ पे भी सोर्स में जाना है, जैसे यहाँ पे सोर्स फाइल दिखा रहा है, सोर्स में गए और यहाँ पे जाके सिंपली आपको कंट्रोल वी बटन से प्रेस कर देना है, मतलब कि पेस्ट कर देना है, या राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, जो कि 698 MB मतलब 700 MB के आसपास का फाइल है, उससे इसमें कॉपी कर देना है। जो विंडोज 10 का पुराने वाला ISO फाइल है या नया वाला ISO फाइल है, उसमें से इसको कॉपी कर देना है। ये सारे प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके भी सिस्टम में विंडोज 11 बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, और जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सारे प्रोसेस लाइव दिखाते हैं कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ रिप्लेस का ऑप्शन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, इस तरह का कुछ ऑप्शन है, तो आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन पे सिंपली रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास मिलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या करना है। तो गाइज जो भी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था, फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी मेरा बूटेबल पेन ड्राइव है उसके अंदर जो भी सोर्स फाइल से मैंने कॉपी किया था विंडोज 10 से, और विंडोज 11 के सोर्स फाइल में मैंने पेस्ट कर दिया और फाइनली पेस्ट हो गया है। और अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, लाइक विंडोज 10, 11, 7, किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। अब हमको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करना होगा और अपने मोबाइल के कैमरा को चालू करना होगा, क्योंकि फिर हम बूट मेनू के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके मोबाइल कैमरा को ऑन कर लेते हैं और मिलते हैं बूट मेनू के पास। तो गाइज फिर से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और फिर से मिलते हैं बूट मेनू के अंदर। जैसे यहाँ पे रीस्टार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस किया, देखिए सिस्टम मेरा रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे रीस्टार्ट कंप्लीट होगा, मैं F12 बटन प्रेस करता रहूँगा, जो कि बूट की होता है। जो भी आपका बूट की हो आप प्रेस करते रहिए, उसके बाद बूट मेनू ओपन हो जाएगा। देखिए फाइनली मेरा सिस्टम शटडाउन होकर फिर से रिस्टार्ट होने वाला है। मैं यहाँ पे बूट की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे बूट की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था जो मेरा पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को सेलेक्ट किया था यहाँ पे आके। अगर आपके पास ए वाला ऑप्शन नहीं आता, UEFI बूट नहीं आता है, तो आप यहाँ से भी पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा GPT में है इसलिए UEFI बूट आ रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि लेगेसी बूट मेरा में ऑन नहीं है, मेरे में MBR में नहीं है, मेरे GPT हार्ड डिस्क है। अगर आप बूटेबल वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, GPT और MBR क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो UEFI HP 705W जो मेरा पेन ड्राइव है, इसको सेलेक्ट करके और एंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो फिर आगे देखिए क्या होता है। देखिए दोबारा फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। एरर तो यहाँ पे नहीं आया था, फिर से नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे भी एरर नहीं आया था, इसके नेक्स्ट स्टेप आया था, उसके बाद एरर शो हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं एरर आता है या नहीं आता है। मुझे 100% आशा है कि एरर नहीं आएगा। इस प्रोसेस को अप्लाई करके आप किसी भी सिस्टम में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे कितना भी लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हो। यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है, फिर से हम आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे सेलेक्ट कर देंगे। यहीं पे एरर आया था, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया था एरर आ गया था। अभी देखिए जैसे इस पे मैंने क्लिक किया एग्रीमेंट आ गया, यहाँ पे एरर नहीं आया, मतलब कि फिक्स हो गया है। इसको हम एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन आया अपग्रेड करना चाहते हैं या कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे कस्टम पे इंस्टॉल पे किसी क्लिक किए, यहाँ पे ऐसा आ गया। यहाँ से आप चाहेंगे तो आप जिस भी से ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी पार्टीशन आपका है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आ रहा था दिस पीसी कांट रन विंडोज 11, इस तरह से करके किसी भी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।